एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग डेफिनेटली बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं फॉर डेली गेस्ट टीचर वैकेंसीज। एंड एक्चुअली में होता ये है कि हर बार ऐसा होता है कि जो ऑलरेडी गेस्ट टीचर डेली में वर्क कर रहे हैं उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाता है। तो अगेन जो 15,000 गेस्ट टीचर वैकेंसीज ऑलरेडी जो टीचर्स वर्क कर रही हैं DOE के स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, अगेन ये इन्फॉर्मेशन आई है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू कर दिया गया है। एंड उन लोगों को कल से 1 जुलाई से रिपोर्ट करने को बोला है एज़ पर देयर टाइमिंग्स, रेगुलर टाइमिंग्स। एंड आप लोगों को पता है अभी तक डेली गेस्ट टीचर की वैकेंसीज़ के लिए उनकी 11 मई से लेके 30 जून तक जो थी समर ब्रेक चल रही थी। एंड अभी तक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ अता पता नहीं था, बट नाउ उनका कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल का मैसेज आ गया है इन द न्यूज़पेपर। तो कल से सारी गेस्ट टीचर्स जो ऑलरेडी वर्क कर रही हैं स्कूल्स में वो कल से ज्वाइन करने वाली हैं। अब बात करें उन टीचर्स की जिन टीचर्स का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया था ड्यू टू इनडिसिप्लिन या प्रॉपर टीचिंग नहीं थी या वो रेगुलर लेट आ रही थी। तो काफ़ी टीचर्स ऐसे थे जिनको निकाल दिया गया है जिनका परफॉर्मेंस जो था टीचर अब स्कूल्स के अंदर अच्छा नहीं था। अब उन वैकेंट पोस्ट पे वो जो खाली पोस्ट हैं उनके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मे बी आप लोगों को 10 से 15 दिन में ये देखने को मिल सकता है कि उन अगर 15,000 में से मे बी 500-600 ऐसे खाली पोस्ट है जिनके लिए गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाल दी जाए। बट अभी राइट नाउ कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगी। बट येस, इतना मैं श्योरली बोल सकती हूँ कि जो टीचर्स को निकाल दिया गया है वो वैकेंसीज अभी खाली हैं। तो हो सकता है आपको जुलाई के मंथ में देखने को मिले कि थोड़ी सी, मतलब बहुत माइन्यूट होगा, 500-600 आपकी डेली में गेस्ट टीचर वैकेंसीज आ जाए। सो टिल द टाइम थैंक यू एवरीवन। हम लोग होप कर सकते हैं फॉर द गुडनेस। और जैसे ही अगर आपको मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को अपने वीडियो के थ्रू बताऊँगी। थैंक यू।